स्टूडेंट्स, वेलकम टू द EduTap टीचिंग परीक्षा। सो जैसे कि आप जानते हो कि हमारी सीरीज चल रही है इंटरव्यू विद द टॉपर्स, तो आज एक बहुत ही स्पेशल मैम है हमारे पास जिनका नाम है प्रीति वालिया। रिसेंटली जो 2019 सीटेट हुआ है उन्होंने क्रैक किया है दोनों पेपर्स, दैट इज पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में इनके आए हैं 112 मार्क्स एंड पेपर टू में आए हैं 104 मार्क्स। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड शी इज अ हाउसवाइफ, तो आई थिंक बहुत लोग हैं अब जिनको इंस्पिरेशन मिलने वाली है। एंड हमने इनका इंटरव्यू इसलिए करवाया क्योंकि अब जो बच्चे सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, स्पेशली जो अब दिसंबर में आपका सीटेट है, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस अब ये मैम आपको दे सकते हैं। पहले जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है सीटेट क्लियर करके। मैम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफी टाइम से कर रही थी, बट इतना अच्छा स्कोर लिया हाउसवाइफ अकॉर्डिंग, तो मेरे लिए फीलिंग बहुत अच्छी है मैम। आप इनकी स्माइल से ही देख सकते हैं कि कितने खुश है। जैसे यहाँ पे आए थे आई थिंक मैं इनकी स्माइल देख के बता सकती थी कुछ ना कुछ इन्होंने अचीव किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम आप बताइए आप कब से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। मैम एक्चुअली मैं 4 to 5 ईयर से स्टार्टिंग कर चुकी थी। मैं 4 to 5 हो गए मुझे एग्जाम देते हुए, बट मेरा क्लियर नहीं हो रहा था, मतलब मैं हर बार 1 या 2 नंबर से ही रह रही थी। अच्छा। तो मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में ही गड़बड़ है, कहीं मतलब मैं टाइम नहीं दे पा रही, तो इसलिए मेरा मतलब 1-2 नंबर से मैं रह रही थी हर बार। देखो 4-5 ईयर से ये सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा आप पहले बताइए जब आप तैयारी कर रहे थे आप कोई बुक्स फॉलो कर रहे थे? यस मैम, मैं 2 बुक्स 1-2 बुक्स ली थी मैंने, अरिहंत की एसेसमेंट। अच्छा, देखो अरिहंत की तो आपको मैंने बुक ली थी मैम, मैं पढ़ भी रही थी टाइम भी दे रही थी, बट उसमें ये था कि जितना मैं पढ़ रही थी उतना मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा था। अच्छा, कि मतलब भाई उसमें था कि कुछ मिल जाता था, बट ये नहीं था कि हाँ मैंने पेपर किया, कि मैंने 4 to 5 से पेपर दे रही थी मैम, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं हर बार जैसे कि पेपर देते हैं कि इसमें से कितना नंबर के आए, मतलब वो नहीं लगता था मुझे उसमें देख के ना। तो, मतलब आप क्या कहते हो कि सीटेट में उन बुक से कितना आता है, कितना आपको लगता है? 10-20% मेरे अकॉर्डिंग तो मैम। अच्छा देखो मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो भी बनाई था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप बुक्स रेफर कर रहे हो 1-2 बुक्स से सिर्फ इतने प्रतिशत ही पूछा जाता है। ये बिल्कुल आपके सामने एग्जांपल्स है। आप कई बच्चे होते हैं ना बात मानते नहीं मैम मैं तो ये बुक पढ़ रहा हूँ इससे हो जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ बुक्स पढ़ना गलत बात नहीं है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि उससे कितना आता है, और ये बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10-20% आता है। मैम जैसे मैं हाउस वाइफ तो मेरे अकॉर्डिंग हर बुक्स लेना भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर बुक्स को इतना टाइम दूं, तो मुझे तो इतना कि बस बना बनाए मिल जाए और मैं उसमें से अच्छा कर लूं, क्योंकि मैं हाउस वाइफ अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे बताइए फिर आपने क्या सोल्यूशन निकाला? एक्चुअली मैं ऑनलाइन चेक करने लगी, फिर मैंने कहा कि चलो ऑनलाइन नोट्स वगैरह मिल जाए, तो मुझे अंचे सर की वीडियो मिली मैम। अच्छा। उनका डेमो वीडियो था एक्चुअली वो। अच्छा अच्छा, तो वो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा कि चलो घर बात की कि मैं ऑनलाइन कोर्स लेके देखती हूँ कि वहां से क्या रिस्पांस मिलता है। ओके, तो फिर आपने हमारा कोर्स किया, ठीक है। तो आपने कितने मंथ तैयारी करी? एक्चुअली मैम आई थिंक 5 to 6 ईयर, क्योंकि मैम जैसे मैंने बोला कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं प्रॉपर मतलब शेड्यूल नहीं होता था मेरा कि मैंने आज इतने टाइम देना ही देना है, तो उसे अकॉर्डिंग कभी टाइम दिया गया तो किसी दिन हुआ कि मैंने टाइम नहीं जाता, क्योंकि बच्चे भी हैं मैम दो, तो उसे अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था, तो मैंने 4 to 5 ईयर्स मतलब मंथ तो दिए ही है। अच्छा, मतलब आप देखो बच्चों सीटेट की तैयारी के लिए लगभग मैंने वही बोला है 4 to 5 मंथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 3 मंथ्स भी एनफ है, बट 3 to 4 तो मिनिमम चाहिए। तो जो भी बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दो, वेट ना करो कि मैं अक्टूबर नवंबर में तैयारी शुरू करूंगा, ठीक है। अब अच्छा आप ये बताइए, बहुत बच्चों ने हमारा कोर्स खरीद भी लिया है सीटेट का, तो डेली की आप कितनी वीडियोस देखते थे, लगभग कितना टाइम देते थे, क्योंकि बच्चे ये भी जानना चाहते हैं। मैम 4 to 5 आवर्स मोस्टली देने थे। शी इज अ हाउसवाइफ और ये कह रहे कि लगभग 4 to 5 आवर्स डेली देखते थे, क्योंकि मैम मैं एक दिन मतलब एक वीडियो मैंने हिंदी की देख ली, एक इंग्लिश की, एक मैथ की, जैसे मैथ की वीडियो देख ली फिर से क्वेश्चन को सोल्व भी करती थी, तो थोड़ा सा टाइम चल जाता था मैम इतना। ठीक है, देखो कितना बढ़िया तरीका है, मैंने आपको बताया भी था कि आप डेली कोई ना कोई एक सब्जेक्ट की वीडियो देख लो, ठीक है। ये नहीं कि मैंने अगर CDP या मैथ्स उठाया बस मैं वही देखता जा रहा हूँ, आई थिंक उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेली कुछ ना कुछ सब्जेक्ट की वीडियो देखना जरूरी है। अब आप ये बताइए आपको हमारा कोर्स कैसा लगा? मैम आपका कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके कोर्स अकॉर्डिंग ही मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए, क्योंकि मैम मैं लास्ट 2-5 ईयर से मतलब मैं 88, 78, 89 ये स्कोर था मैम मेरा, मैं सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से,
तो मतलब आपके कोर्स अकॉर्डिंग ही मेरा इतना अच्छा स्कोर बन पाया मैम. थैंक यू सो मच. अरे थैंक यू सो मच. पता है हमें इतनी खुशी होती है जब बच्चों का क्लियर होता है, ठीक है. और इस बार तो काफी बच्चों ने क्लियर किया एग्जाम. एंड मैं सिर्फ बस यही पूछना चाहूंगी कि आपको, आपने देखो रियलाइज किया कि पहले तैयारी और अब में तैयारी में काफी फर्क है, तो आप हमारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगी? और एक बात और बोलना चाहूंगी, जब हम कोर्स ले आइए तो इसमें ये नहीं होता था कि आप बुक से पढ़ रहे हो उस चीज को रट रहे हो. मतलब EduTap के कोर्स से था कि आप चीज को पढ़ रहे हो तो उसे समझ के पढ़ रहे हो कि इसकी मतलब उसे अप्लाई कर सकते हो कि कैसे अप्लाई कर सकते हो. सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी. अच्छा देखो ये बहुत मतलब फिर आपको मतलब CDP हमें ये नहीं लगा कि मैंने इस बार रटा है. फिर आपको किसी बुक की जरूरत तो नो मैम, मैंने कोई बुक नहीं ली. बस मैंने लास्ट टाइम पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे, वो भी 1 to 2 weeks. देखो बच्चों, मैंने बोला है कि आपको अगर बहुत बच्चों की जैसे मुझे मेल्स आते हैं ना कि मैम कि हमने अगर आपका कोर्स लिया तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, मैं बार बार बोलती हूँ फिर आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोर्स अपने आप में सफिशिएंट है. इनफैक्ट थोड़ा हायर ही है कि आपका आराम से सीटेट क्रैक कर देगा, ठीक है. एंड मैम एक बात और बोलना चाहूंगी इस कोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ये कोर्स मैंने लिया, बच्चों को देखे जो मैंने कोर्स लिया, इसकी मैं सबसे अच्छी बात लगी यहाँ के टीचर्स. मतलब टीचर्स है कि मोटिवेशनल, ये नहीं कि आप कोर्स ले लिया उनसे कोई मतलब नहीं, कि आपने कोर्स ले लिया आप ऑनलाइन हो कि आपने जो किया तो आपने किया है. मतलब मैं सर को बार बार मेल भी करती थी, सोनिया मैम को भी मैं मेल करती थी, रिप्लाई आता था. और मुझे सबसे अच्छी बात लगी दानिश सर ने मुझे एक वर्ड बोला था, क्योंकि मैं ना सर मैम एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम CTET का पेपर दिया था, बट मेरे साइंस का कॉन्सेप्ट मेरे वहां से क्लियर था, बट जब मैं क्वेश्चन कर रही थी तो मेरे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे. मतलब आई थिंक सर ने जैसे कि 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैं 10th थी, बट मुझे था कि इस बार तो 15 के 15 सही जाने चाहिए. तो मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर मेरा ऐसे से है कि और मेरे गलत हो रहे हैं तो मुझे नहीं समझा रहा कि मैं कहां मिस्टेक कर रही हूं. सर ने मुझे एक बात बोली कि आप अभी क्या, आप एग्जाम में नहीं हो, आप एग्जाम से पहले तैयारी कर रहे हो, आप देखो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आप अच्छा है कि आप अब गलती करो कि आपके वो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग बनेंगे. तो वो बात मैम मुझे अभी भी याद है कि वो गलती मैंने वहां पे की और एग्जाम में वो गलती नहीं हुई मेरे से. अरे वाह, दैट इज सो अमेजिंग. और वैसे भी दानिश सर तो सबके ही फेवरेट है, ठीक है. वो जिस तरह साइंस और सोशल पढ़ाते हैं, आई थिंक ही इज द फेवरेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. तो मैंने भी देखा है आधी मेल्स तो सर की तारीफ की मुझे आ जाती है, फिर मैं बोलती हूँ दानिश सर को मेल करो. तो बहुत अच्छी बात है. आप देख सकते हो बच्चों इनके चेहरे पे खुशी कितनी है, और ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है जैसा इन्होंने एक्सपीरियंस किया, ये बिल्कुल आपको वैसा ही बता रहे हैं. तो मैं लास्टली बस ये कहना चाहूंगी, जो बच्चे इस वक्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या क्या कहोगे, क्या क्या सजेस्ट करोगे? सबसे तो बेस्ट यही बोलूंगी मैं कि आप जो भी तैयारी करो, जितना भी टाइम दे रहे हो उसे आप स्मार्टली यूज करो. ये नहीं कि आप बुक से पढ़ रहे हो, बुक से आपको चट्टा लगा लिया और आप सोचो कि आज मैंने ये करनी है कल. मतलब जो भी पढ़ना है उसे अच्छे से तैयारी करो. और मैं तो यही रेफर करूंगी आप EduTap का कोर्स लो. क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, क्योंकि मैं 4 to 5 इयर्स एग्जाम दे रही थी और बुक से ही रेफर की थी मैंने, बट नहीं हुई मैम. अरे वाह, दैट इज सो स्वीट ऑफ हर. एंड ये हमारे लिए मिठाई भी लेके आए, इतने खुश है, चंडीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं यहीं से ही. तो बट मैम मैं एक बात और बोलूंगी, अभी तो मैंने सिर्फ आपका उंगली पकड़ी, अभी तो आप आगे लेके जाओगे फॉर श्योर. देखो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, हमारा सफर यहाँ तक नहीं आप लोगों के साथ, हमने आपको जब तक आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बढ़ते ना आपकी तब तक मदद करनी है. एंड होपफुली बस हम भी वेट करें जिस दिन आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, उस दिन जरूर ऐसी आओगे और ऐसी आके मैं उम्मीद करती हूँ दोबारा आके सेम ऐसे इंटरव्यू देंगे. सो थैंक यू सो मच प्रीति, बहुत अच्छा लगा इनके साथ. एंड बाकी जो भी बच्चे आप लोग तैयारी कर रहे हो सीटेट के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट. एंड प्लीज जो इन्होंने गाइडेंस दी है जरूर मानना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एंड ये दोबारा ऐसे चांस नहीं मिलते कि सीटेट अब दोबारा आ रहा है. कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी साल में सीटेट होता ही नहीं था, मतलब तब बच्चे तरसते थे, या अब एक साल में एक बार, और अब इस बार है कि साल में दो बार. तो प्लीज जिनका भी रह गया या जो तैयारी कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करना एंड अपनी तैयारी को अच्छी तरह करना. एंड होपफुली प्लीज आप एक बारी कोर्स को लेके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू मैम फॉर कमिंग हियर. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट.